दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के अवसर पर आरजीएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा आयोजित आज़ादी की अमृत गाथा के 102वें कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्य अतिथि एसएम व ओएसटी आईटीपीओ व ट्रेड फेयर 2022 कर्नल पुष्पम कुमार ने भारत की झांकी कवर कर रहे पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने कहा कि सत्य और तथ्य आधारित पत्रकारिता का हम समर्थन करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित इस मेले के मीडिया सेंटर में विशिष्ट अतिथि आईटीपीओ के पीआरओ विवेकानंद विवेक ने अपने संबोधन में कहा कि पॉजिटिव मीडिया विगत सालों की तरह ट्रेड फेयर में सकारात्मक पत्रकारिता से भारत की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रस्तुत कर रही है। आरजीएस ऑब्जर्वर और पूर्व ओएसटी दिल्ली सरकार व पूर्व निदेशक एमसीडी दीपचंद माथुर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आभार जताया। आरजीएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने कहा कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के सीनियर मैनेजर विवेकानंद विवेक के साथ सभी मीडिया कर्मियों ने उत्साह से लवरेज एक फोटो सेशन में भाग लिया और मीडिया कर्मियों को आरजीएस पॉजिटिव मीडिया का प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात विवेकानंद विवेक ने पॉजिटिव मीडिया की ओर से संज्ञान मीडिया नेटवर्क के प्रांजल श्रीवास्तव और धर्मेश शुक्ला को तमिलनाडु की सकारात्मक भारत उदय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा बैच प्रदान कर अंग वस्त्र से सम्मानित किया। हार्दिक आभार राष्ट्रीय संयोजक आरजीएस पॉजिटिव मीडिया राम जानकी संस्थान। 7.5 साल से हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं और जोश इतना है कि आज आईटीपीओ ट्रेड फेयर जो कि 41वां संस्करण है, वो विजन किस आदमी का रहा होगा, राज रेवाल जी, जिन्होंने कि इसको डिजाइन दिया, आर्किटेक्ट थे राज रेवाल जी का, को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने किस तरह से भारत के विकास की झांकी को प्रदर्शित करने का ख्वाब देखा होगा, कितने दिन लगाए होंगे। राज रेवाल जी, आज आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आजादी की अमृत गाथा 102वें कार्यक्रम में हम लोग आपको याद करते हैं सर। भारत की आत्मा को यहां पर बसाने के लिए आपकी आत्मा जहां भी हो वो शांति से रहे, कि पॉजिटिव मीडिया ने इसको समर्थन दिया है और पूरे देश भर की पॉजिटिव मीडिया ने, और ये निरंतर आगे बढ़ेगा। वो 25वां साल था आजादी का, 25वां साल स्वर्ण जयंती समारोह, जिसको करने के लिए भारत सरकार ने राज रेवाल जी को ये निमंत्रण दिया कि एज ए आर्किटेक्ट आप बताइए कि कैसे भारत की झांकी को प्रदर्शित किया जा सकता है, ट्रेड फेयर जैसा मैदान दिया। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको शुरू किया और लोगों ने यहां आकर ट्रेड फेयर को समर्थन दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने वाला था, उसकी पूर्व संध्या पर इसका इस परिसर का उद्घाटन किया। एशिया के नाम से वो व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, उसकी पूर्व संध्या पे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया। आज ये मेला, चूंकि हर चीज में बदलाव हो रहा है, तो इस मेला परिसर में भी बहुत बड़ा बदलाव, स्टेट ऑफ आर्ट की तरफ आगे बढ़ गया ये मेला। और अब ये मेला लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है निर्माण कार्य, वो अगले साल 2023 में पूरा हो जाएगा। तब तक हम लोग इंतजार करें और पॉजिटिव मीडिया जो कि आज 100 आजादी की 102वें कार्यक्रम में आकर तमिलनाडु की यात्रा करने जा रही है, संज्ञान मीडिया नेटवर्क, उन दोनों धर्मेश जी और प्रांजल जी का काफी अब आभार है कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो इस देश में पॉजिटिविटी को फैला सकते हैं। आप जैसे तमाम नौजवान हैं, 163 बैठकें हुई हैं पत्रकारों के दफ्तर में, लोगों के घरों में, और अब तो सड़कों पर बोर्ड लगने भी शुरू हो गए हैं,
चौधरी नराज सिंह सैनी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीटी करनाल रोड पे अपने ऑफिस के सामने सकारात्मक आजादी के अमृत गाथा, सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का बोर्ड लगाया है। पटना में रैना इन्फोटेक के डायरेक्टर दिलीप वर्मा जी ने अपने अपने ऑफिस के सामने, रैना इन्फोटेक के सामने बोर्ड लगाया है। अलग अलग राज्यों में भी लोग बोर्ड लगाने जा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, इस मेले के लिए भी बहुत जरूरी है। इसीलिए पॉजिटिव मीडिया ने, जो ये तमाम पॉजिटिव मीडिया आप देख रहे हैं, आज एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में चल रहे हैं, एमसीडी इलेक्शन की तैयारी चल रही है, प्रचार हो रहा है, बावजूद उसके जो पॉजिटिव लोग हैं वो मेले आकर, उसको भी जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन ये सबसे जरूरी है कि भारत की आत्मा जहां बसती है, गांव गांव के लोग जहां आए हुए हैं, वहां पत्रकार बंधु आकर ट्रेड फेयर को अपना समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का प्रमुख उदय कुमार मन्ना हृदय से, जो भी इस मेले में 25 नवंबर को 2022 को आए हैं, ट्रेड फेयर जो ITPO द्वारा 41 साल से लगाया जा रहा है, हम चाहेंगे कि ये कंटिन्यू करे और स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में इस मेले में हम लोग अगले साल भी समर्थन देंगे। 27 तारीख ITPO का अवार्ड फंक्शन है, उसको भी समर्थन हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।